हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की स्टूडियो में हम बात करने जा रहे हैं हॉटस्पॉट पे कनेक्टेड डिवाइस की लिमिट कैसे सेट करें। सो फ्रेंड्स, कई लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि जो दूसरे लोग हैं वो उनका हॉटस्पॉट से कनेक्टेड है, तो कैसे हम कनेक्टेड डिवाइस की लिमिट सेट कर सकते हैं। तो बड़ा ही सिंपल है, वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी स्क्रीन पे सेटिंग्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आपको पोर्टेबल हॉटस्पॉट ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर क्लिक कीजिए। तो हम पोर्टेबल हॉटस्पॉट की स्क्रीन पे उस पर ऑप्शन पे आ चुके हैं, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कनेक्टेड डिवाइसेस। तो मैं कनेक्टेड डिवाइसेस ऑन कर चुका हूँ यहाँ पे, और कनेक्टेड डिवाइसेस पे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, लिमिट ऑफ कनेक्टेड डिवाइस और ब्लॉक लिस्ट। तो लिमिट ऑफ कनेक्टेड डिवाइस में क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैंने 2 की लिमिट लगा रखी है, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनलिमिटेड। तो अभी मैं लगा देता हूँ लाइक 1 की लिमिट। तो आपने जैसे आपके पास दो फ़ोन है घर में, आपने एक से कनेक्ट कर लिया अपना हॉटस्पॉट, तो कोई और फिर आपका हॉटस्पॉट अब नहीं ले सकता, यूज़ नहीं कर सकता, और अनलिमिटेड में आपका सभी यूज़ कर सकते हैं। और ब्लॉक लिस्ट में क्या होता है, एक बार मान लो आपको अपने साइड वाले फ़ोन का, दूसरे वाले फ़ोन का डिवाइस का नाम पता है, तो आपने उसे कनेक्ट कर लिया। अब जो आपको नहीं पता कि डिवाइस कौन सा है, तो उसमें क्या आएगा, यहाँ पे कोई और नाम आ जाएगा, तो आप उसको यहाँ से ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि कैसे लिमिटेड डिवाइस की लिमिट सेट कर सकते हैं। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।